खीरे वीरे सारे देसी हैं, करेला सेब भी देसी है। हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को मेरा। आज हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं भद्रवाह से, तो घर के लिए। तो यहाँ पे जो डेथ हुई थी उसी के लिए हम आए थे यहाँ, तो वही कारण था हमारा यहाँ आने का। बाकी हमारा कोई व्लॉगिंग श्लॉगिंग का कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन अच्छी जगह थी तो मुझे लगा आप लोगों को दिखानी चाहिए। और बाकी दिखाता हूँ मैं, यहाँ से बहाला से ऊपर थोड़ी सी जगह है, अभी हम ऊपर ही हैं, थोड़ा मेन रोड पे नहीं पहुँचे हैं, नीचे अभी हम पहुँचेंगे। थोड़ी सी जगह दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये जगह देखो भाई, कितनी खूबसूरत जगह है और कितना प्यारा मौसम है। आज सितंबर का महीना है, तो इस महीने में भी मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी हमारे वहाँ रामबन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे जैकेट लगा हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग, जैकेट अंदर से एक और जिपर लगा हुआ है, उसके अंदर से एक और टी शर्ट डाली हुई है मैंने, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सर्दी का ही मौसम समझो है। तो बाकी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, मौसम के साथ साथ हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाइक पे। तो दोस्तों, ये है भद्रवाह का रोड, बहाला टू पुलडोडा के बीच में जो रोड आता है ये वही रोड है, और बहुत सुंदर बेहतरीन जगह है, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, और लोग भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। डोडा भद्रवाह के लोग तो बड़ी बातें करते रहते हैं आगे पीछे कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं, बट मेरे साथ तो बहुत बार मैं यहाँ पे आया लेकिन मेरे साथ किसी ने आज तक गलत बात कही नहीं, क्योंकि जब इंसान खुद अच्छा हो तो दूसरा भी इंसान अच्छा ही लगता है। क्या पीना है? चाय? चाय ठंडा पिए? ठंडा नहीं, ठंडा पियेंगे चाय? बोल जल्दी, क्या लेट हो रहा है? बस ठंडा नहीं है, उसको चाय बोल दिया मैंने, इसके पास गर्म है खाली, ठंडा कुछ भी नहीं है, बोलता है मुझे गर्म ही है मेरे पास। अब तू बोल क्या पीना है, क्या पीना नहीं, अब तू बोल पीना है कि नहीं पीना है, उसके पास खाली गर्म है। हम यहाँ पे अभी चाय पियेंगे, थोड़ी सी 2 कप चाय पियेंगे हम, जिसमें 1 कप वसीम का, 1 कप जिसमें 1 कप वसीम का, दूसरा कप मेरा। तो ये इधर ही लोकल? अच्छा, ऊपर ऊपर से पहाड़ों वाड़ों से ओ, मगर सब्जी तो बहुत ही अच्छी है, साफ सब्जी है, खीरे वीरे सारे देसी हैं, करेला सेब भी देसी है, मतलब इसमें कोई भी जो आपने बाहर से नहीं लाया है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बड़े फख्र की बात है, खासकर असर के लिए। ये बगर है, असर है, असर बगर दोनों है, ये बहुत अच्छा। ये कैसे किलो है ये काली वाली राजमा, और ये दूसरी हरे? हाँ, अच्छा, तो ये मटर जैसे फलियाँ, तो ये उनका क्या नाम है जो लंबी लंबी होती हैं वो? अच्छा, करेला कैसे? करेला 40 रुपये, 40 रुपये किलो, ताज़ा है लेकिन। खीरा? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन के कि आपने सभी यहाँ पे जो है देसी रखा हुआ है। लड़का मिला था हमें, एक फ्रेंड ही समझो बन गया वो, तो रास्ते में मिला भैया, उसको बाइक अच्छी लगी, उसने फोटो किए बाइक पे बैठ के, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दिया बंदे ने। अच्छे लोग हैं यहाँ के, मैंने जैसे पहले भी बोला आप लोगों को कि डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह के लोग काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टफुल पर्सन है। कुछ जगहों पर ऐसे भी लोग हैं जो कैमरा देख के बर्दाश्त नहीं करते बंदे को। भाई हीरो लंबी लंबी जुल्फे छोड़ के कहाँ जा रहा है? एक तो यहाँ डोडा किश्तवाड़ में ना स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, बोलते ही तो स्पीड ब्रेकर आ गया मोड़ क्रॉस करते ही, फिर रोकते हैं। लेकिन यहाँ से जब वापस जाओ तब यहाँ पे चेकिंग वगैरह नहीं होती है। आप लोगों को पता ही होगा डोडा किश्तवाड़ का जो रोड है, खासकर बटोत से लेकर डोडा तक जो रोड है, बहुत डेंजरस रोड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना मोड़ जो है कर्व्स बहुत ही डेंजरस कर्व्स है, और यहाँ के ड्राइवर जो खासकर बस ड्राइवर वो बहुत ही पुठे चलते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, तो एक ड्राइवर के पीछे बहुत सारी जानें होती हैं बैठे हुई पूरी बस में, तो ये रोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जानलेवा रोड है। यहाँ पे स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ जो अक्सर आप देखते होंगे रोडों पे लिखा होता है, ये देख रहे हो यहाँ पे सारी देसी सब्जी है, देसी सेब, सब कुछ देसी है यहाँ पे। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, रेड़ियाँ शेड़ियाँ थी, ये कुछ दुकानें थी जो सामने है, इसको बोलते हैं हल्द्रू मोड़, यहाँ पे हुसैन रहता है जो हड्डियाँ शड़ियाँ ठीक करता है। चल भी रहा है इतना तेज़, मेरे से भी पास किया इस बंदे ने,
और हेलमेट पहना हुआ नहीं है, और ये चलान भी हमें उल्टा करते हैं, हेलमेट खुद का पहना नहीं है। ये देख पा रहे हो आप पुलिस वाला भाई, ये तो गलत बात है ना, चलान इनको भी होना चाहिए, लेकिन इनको भी चाहिए। हेलमेट पीछे लटकाने के लिए नहीं होता है, हेलमेट सर पे लगाने के लिए होता है, खुद की सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं लगा रहे भाई।